हाँ जी नमस्कार, राधे राधे। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि इस पे चर्चा करेंगे, आखिर पानी करवा से क्यों पीते हैं? हम बोतल से आम दिनों में पी लेते हैं, लोटा से पीते हैं, ग्लास से पीते हैं, लेकिन इस दिन करवा से ही क्यों पीते हैं? इसका क्या रीज़न है, क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या शास्त्रगत कारण है? देखिए, चित जल पावक गगन समीरा, पाँच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और पाँच तत्व से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड में पाँच तत्व हैं और इन्हीं पांच तत्वों को ग्रह जो है हमें बताते हैं। ज्योतिष में जो हम ग्रहों की रेमेडीज को पकड़ते हैं ना, तो दरअसल इन तत्वों को ही बढ़ाने के लिए पकड़ते हैं। इन तत्वों की कमी से हमें प्रॉब्लम होती है, इन तत्वों की पूर्ति के लिए हम पकड़ते हैं। तो जो करवा होता है वो मिट्टी से बना है और पानी में गला के तब मिट्टी से बनाया जाता है। तो मिट्टी हो गई, पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, उसके बाद बनाने के पश्चात उसको हम आकाश के नीचे रख देते हैं। आकाश तत्व को समाहित करता है और सूर्य की रोशनी में उसको हम सुखाते हैं, हवा से हम सुखाते हैं, तो वायु तत्व भी आ गया और अंत में हम अग्नि तत्व माने आग से उसको पकाते हैं। तो पांच तत्वों से उसका सृजन हुआ। जो जल है, जल जीवन का प्रतीक है, जल ही जीवन है, जल ब्रह्म का प्रतीक है, जल से ही जीव की उत्पत्ति होती है। जो आप मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे ना, तो जो क्रोमोसोम है उनमें भी जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जल से ही उगाते हैं। जब भी सूर्य और शुक्र आपस में बहुत नज़दीक हो जाते हैं तो फिर आप मेडिकल साइंस में चेक करेंगे तो बोलेंगे क्रोमोसोम में जान नहीं है। दरअसल वो जान का मतलब क्या है, जल तत्व की कमी हो गई है। तो इसलिए इस दिन करवा से जल पिलाते हैं। उस करवा से पंच भूत जो महातत्व हैं वो जल के अंदर समाहित होकर अगले व्यक्ति जिसको हम पिलाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक उसके शरीर में किसी तत्व की कमी ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, या उन तत्वों को भरपूर लाभ उठा सके और उसका जीवन जीवन देने वाला हो, उसका जीवन प्रेरणा देने वाला हो, उसका जीवन सृजन करने वाला हो, इन मूलभूत तत्वों के चलते हम करवा से जल पिलाते हैं। करवा से जल पिलाने का विधान है। नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, अगर चंद्रमा को छलनी से देखने का क्या कारण है, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, शास्त्रगत क्या कारण है। आप हमारे वीडियो बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई प्रश्न आपको पूछना है, आप इससे संबंधित करवा चौथ सीरीज चल रही है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप करें, मैं आपको तत्काल उत्तर दूंगा। तब तक आपके लिए राधे राधे।